अभी हम आ गए हैं सेंट पॉल कैथेड्रल में, जो कि यहाँ पे रावण नहीं जलाते हैं, यहाँ पे इस दिन सिर्फ मूर्ति को। कितना दूर घुमाते हो? एक गोला नहीं। ये जो पीछे जो है ईडन गार्डन है, और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज बारिश। तो अभी हम पहुँच गए हैं सेंट्रल कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में। तो पीछे देख रहे हैं विक्टोरिया है। तो यहाँ पे आसपास में ऐसे पत्थर बिछाए हुए हैं नीचे, मैं पूरा देख रहा हूँ, और साइड में पाथ भी बनाया हुआ है। बाकी सामने विक्टोरिया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, और धूप पड़ रही है ना साइड में से, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो विक्टोरिया मेमोरियल को 1906 से 1921 के बीच में इंग्लैंड की रानी क्वीन के याद में बनाया गया था। और इसमें सेम मार्बल यूज करा गया है जो कि ताजमहल में यूज हुआ है। अभी अंदर बंद कर रखी है, वैसे नॉर्मली खुली रहती है, बट कोविड की वजह से बंद है, और ये मंडे को वैसे बंद रहता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल के आपको चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे, और साथ में है एक कह सकते हैं झील टाइप की बना रखी है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है दोनों तरफ विक्टोरिया मेमोरियल के आगे। और आप पार्क में आके बैठ के आराम से कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे शांति से। देख रहे हो, आवाज़ सुनो आप, इन चिड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इसे। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो शाम का टाइम सबसे बेस्ट होगा आपके लिए घूमने के लिए। ये कितने रुपए है? 500। कितना दूर घुमाते हो? एक गोले नहीं घुमाते, रेस्ट तो अगर आप रथ की सवारी करना चाहते हो विक्टोरिया मेमोरियल के आगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। 500 रुपए लेंगे, एक गोल चक्कर लगा के वापस आपको यहीं पे छोड़ देंगे वो लाके। अभी हम आ गए हैं सेंट पॉल कैथेड्रल में, जो कि बस विक्टोरिया मेमोरियल से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पर होगा। तो शाम का टाइम है अभी आए, और यहाँ पे टिकट लगाए मैं 10-10 रुपये। तो अभी हमें ईडन गार्डन में, ये जो पीछे जो है ईडन गार्डन है, और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज बारिश। ये ईडन गार्डन स्टेडियम है, और ये रोड पे देखो पूरा बारिश पानी पानी हो रहा है। ये जो है कोलकाता के पोस्ट लोकेशन में आता है जो ईडन गार्डन वाला एरिया, यहीं पे राजभवन भी पास में, जहाँ पे कोलकाता के गवर्नर रहते हैं,
और ये बहुत ही पॉश लोकेशन है, यहीं पे पास में विक्टोरिया मेमोरियल भी है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बाबू घाट में। हमारे यहाँ दशहरे में रावण जलाया जाता है, बट यहाँ पे रावण नहीं जलाते, मैंने पता करा था। मुझे लगा था पहले कि यहाँ पे भी रावण जलाते होंगे, बट यहाँ पे रावण नहीं जलाते। यहाँ पे इस दिन सिर्फ मूर्ति को, जो मूर्ति इन्होंने बिठाया होता है 9 दिन, उसको भसाया जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं उन मूर्ति को जहाँ पे भसाते हैं ना बाबू घाट में, वो देखने के लिए।